हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी फिट एंड फाइन हो गए, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी चल रही होगी। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 2 अगस्त, तो आज के इस वीडियो में 2 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में थोड़ी सी दुख भरी न्यूज ज्यादा है जो कि क्वेश्चन बात के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विस डेट वी हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड रेंजर डे। वर्ल्ड रेंजर डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? वर्ल्ड रेंजर डे हम लोगों ने मनाया परसों के दिन, मतलब 31 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेंजर डे। रेंजर कौन होते हैं? जो कि हमारे मॉन्यूमेंट्स की हिफाजत करते हैं, जंगलों की हिफाजत करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं रेंजर। तो ऐसे लोग जिन्होंने आज तक हमारे मॉन्यूमेंट्स और जंगलों की हिफाजत करते हुए वो इंजर्ड हो गए या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, उन सभी को याद करने के लिए दिवस मनाया जाता है जिसको वर्ल्ड रेंजर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। 31 जुलाई को इसको मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विस डेट इंडिया सेलिब्रेटेड मुस्लिम विमेन राइट्स डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, आप सभी ध्यान रखना क्योंकि ये पहली बार मनाया जा रहा है भारत में। तो आपको ध्यान रखना है ये कब हम लोगों ने मनाया। ये कल के दिन मनाया, 1 अगस्त को। अब से हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम विमेन राइट्स डे के रूप में मनाया जाएगा। ये क्यों मनाया जाएगा? लास्ट ईयर ट्रिपल तलाक बिल को पास किया गया था और ये ट्रिपल तलाक एक्ट बन गया, तो उसी वजह से तब से इसको बीजेपी के द्वारा अनाउंस किया गया, या फिर आप बोल सकते हो भारत सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया कि अब से हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम विमेन्स राइट्स डे के रूप में मनाया जाएगा। तो इस बार हम लोग कौन सी एनिवर्सरी इसकी मना रहे हैं? इसकी पहली एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं इस बार, अगले साल दूसरी, तीसरी, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आयुष्मान भारत की इस बार हम लोगों ने कौन सी एनिवर्सरी मनाई? उसकी हम लोगों ने दूसरी एनिवर्सरी मनाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रिलायंस पावर एंड जीरा साइंड एन एमओयू विद बैंक्स फॉर न्यू थर्मल पावर प्लांट इन विच कंट्री। क्वेश्चन का मतलब समझो, आपसे क्या बोल रहा है? आपसे कह रहा है रिलायंस पावर और जीरा इन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में बैंक्स के साथ पैक्ट साइन किया है जिसकी मदद से ये थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करेंगे। कौन से देश में ये स्थापना करी जाएगी? बांग्लादेश में थर्मल पावर प्लांट की। ये जो नया थर्मल पावर प्लांट है इसके लिए बांग्लादेश की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है रिलायंस को। रिलायंस को इन्होंने जिम्मेदारी दी है कि ये बांग्लादेश में थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करें। अब रिलायंस ने यहां पर मदद ली हुई है जेरा कंपनी की। जेरा जो कंपनी है ये बेसिकली जापान की कंपनी है और ये दो कंपनीज का एक वेंचर है। ये दो कंपनी कौन कौन सी है? यहां पर एक कंपनी है जिसको बोलते हैं टेपको एफपी। क्या नाम है? टेपको एफपी। और दूसरी कंपनी, ये पहली कंपनी है, और दूसरी कंपनी है इसका नाम है चुबू इलेक्ट्रिक पावर। चुबू इलेक्ट्रिक पावर। तो ये दो कंपनी है, दोनों कंपनियां 50-50% ज्वाइंट वेंचर से बनी हुई है। और तब इनका फुल फॉर्म क्या है? जेरा। तो जेरा के साथ अभी हाल ही में रिलायंस ने पैक्ट साइन किया है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जेरा की मदद से रिलायंस बांग्लादेश में थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करने जा रहा है। एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है, जेरा और रिलायंस दोनों ने मिलकर कितना लोन पैक्ट यहां पर साइन किया है बैंक्स के साथ? यहां पर जो एस्टिमेटेड अमाउंट है इस थर्मल पावर प्लांट को बनाने के लिए ये 4,798 करोड़ का अमाउंट है। आप ये बोल सकते हो कि 4,798 करोड़ की मदद से बांग्लादेश में थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करने जा रहा है रिलायंस। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। नेपाल में खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली की सरकार है, यहां पर कैपिटल है काठमांडू, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और यहां पर लोटे शेरिंग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो जेरा कंपनी है, जेरा कंपनी का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है जापान का टोक्यो। और इसकी स्थापना कब करी गई? इस कंपनी की स्थापना साल 2015 में करी गई। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एज पर नेचर क्लाइमेट चेंज जनरल। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज जनरल की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने बताया कि जो पोलर बियर्स है, ये पोलर बियर्स जो है ये विलुप्त प्रजाति हो जाएगी कब तक? तो इनकी रिपोर्ट के आधार पर, नेचर क्लाइमेट की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि 2100 तक जो पोलर बियर है ये विलुप्त प्रजाति हो जाएगी। इनकी तादाद तेजी से कम होती जा रही है, चली जा रही है दुनिया में, घटते घटते इस तरीके का अंदेशा है
ये 2100 तक आते आते, मतलब अगले करीब बात करी जाए तो 80 सालों बाद ये खत्म हो जाएंगे। ये रिपोर्ट है नेचर क्लाइमेट की। तो इनको बचाने के लिए काफी सारी केंद्र सरकारें आगे भी आ रही हैं, बहुत सारे देश कार्यरत हैं कि इनको बचाया जा सके। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, ये जो थर्मल पावर प्लांट है जिसकी स्थापना बांग्लादेश में रिलायंस के द्वारा करी जा रही है, ये बांग्लादेश में कहां पर करी जा रही है? तो आपको ध्यान रखना, बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है मेघना घाट। क्या नाम है? यहां पर मैं लिखता हूं, मेघना घाट। मेघना घाट में इसकी स्थापना करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? अभी हाल ही में दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी कौन सी डिक्लेयर करी गई है? ये है एप्पल। एप्पल को दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी डिक्लेयर किया गया है साल 2020 का। ध्यान रखना है आपको, साल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी डिक्लेयर करी गई थी? अमेजॉन। ओके, इस साल मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एप्पल डिक्लेयर करी गई है। साल 2019 में मोस्ट रिलायबल कंपनी कौन सी डिक्लेयर करी गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट रिलायबल कंपनी भी अमेजॉन ही थी। अगर भारतीय कंपनियों में बात करें तो भारतीय कंपनियों में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी टीसीएस, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली 2019 की कौन सी कंपनी थी भारतीय कंपनियों में? ये थी रिलायंस। लेकिन वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो अमेजॉन मोस्ट वैल्यूएबल भी थी, मोस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाले भी थी, और मोस्ट रिलायबल भी थी। लेकिन इस बार मोस्ट वैल्यूएबल कौन सी रही कंपनी 2020 की? एप्पल। एप्पल की बात करें तो एप्पल की स्थापना 1976 में करी गई थी। एप्पल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, और एप्पल के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है टिम कुक। टिम कुक, ध्यान रखना, 3 साल पहले एप्पल ने भारत में बेंगलोर में अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली थी जिसमें एप्पल iPhone 7 और iPhone 10 बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी लॉन्च्ड अ पर्सनलाइज्ड यूपीआई पेमेंट लिंक mpay.me? आपसे कह रहा है, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में एक पेमेंट लिंक अपना लॉन्च किया है mpay.me? ये लॉन्च किया गया है मोबीक्विक के द्वारा। मोबीक्विक की बात करें तो इसकी स्थापना साल 2009 में करी गई थी। मोबीक्विक का हेडक्वार्टर क्या है? गुरुग्राम। गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है, जिसको पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे। इसके सीईओ कौन है? ये हैं विपिन प्रीत सिंह। विपिन प्रीत सिंह। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम की स्थापना साल 2010 में करी गई है। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई है। ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई है। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा, गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, ट्विटर का हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया। पेटीएम के सीईओ हैं इस टाइम पे विजय शेखर और रेनू सती, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, और ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु साइंड एमओयू विद ट्रांस यूनियन सिबिल टू लॉन्च फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एमएसएमई सक्षम फॉर एमएसएमई? क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो, क्या बोल रहा है आपसे? आपसे कह रहा है एमएसएमईज की मदद करने के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद करने के लिए एमएसएमई सक्षम नाम का एक नॉलेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो ये है सिडबी। सिडबी ने अभी हाल ही में ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ मिलकर एक नॉलेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एमएसएमई सक्षम के नाम से, जिसमें एमएसएमईज को नॉलेज से मदद दी जाएगी। एमएसएम यहां पर सिडबी की अगर बात करें तो सिडबी की स्थापना कब करी गई है? इसकी स्थापना 1990 में करी गई थी। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, और सिडबी के सीईओ कौन है? ये हैं एम मुस्तफा। एम मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा। नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी। एक्जिम बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना भी 1982 में करी गई थी। एसबीआई की स्थापना भी 1955 में करी गई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, एक्जिम का हेडक्वार्टर भी मुंबई है, और नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अभी पिछले ही महीने नाबार्ड के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है गोविंद रजलू चिंताला। गोविंद रजलू चिंताला, इन्होंने हर्ष कुमार बनवाला को सक्सीड किया था। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक लॉन्च्ड अ 2 मंथ कैंपेन कोना कोना उम्मीद? आपसे कह रहा है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में 2 महीने का एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद? कोना कोना उम्मीद नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। ये जो कोना कोना उम्मीद नाम का कैंपेन है, इसकी खास बात है कि 2 महीनों तक स्पेशल ऑफर्स दे रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। ये जो ऑफर्स हैं, ये लोन के ऊपर दिए जा रहे हैं, रिटेल पेमेंट्स के ऊपर दिए जा रहे हैं, और साथ में अगर आप
इनका क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी परचेजिंग करते हो तो उस पर आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जा रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। 2 महीने तक ये ऑफर प्रोग्राम कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से चलेगा। कोटक महिंद्रा की स्थापना साल 2003 में करी गई थी। कोटक महिंद्रा का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ कौन है, ये है उदय कोटक। क्या नाम है? उदय कोटक। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और एसबीआई तीनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, एक्सिस बैंक के चेयरपर्सन है अमिताभ चौधरी और आईसीआईसीआई के हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हमीद बाकायोको, अभी हाल ही में इनको कौन से देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है? इनका नाम, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, इनका नाम है हमीद बाकायोको। ये कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये प्रधानमंत्री बने हैं आइवरी कोस्ट के। आइवरी कोस्ट की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है योमुसुकु। क्या नाम है? यहां पर मैं लिखता हूं, यामो सुक्रो, यामो सुक्रो इज द कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कुट्टे और कोलंबो। घाना की कैपिटल है अक्र। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। क्या लिखते हैं? बाकू। अब यहां पर अगर बात करें देखो आइवरी कोस्ट की, तो आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे, तो ध्यान रखना इनका नाम है अलासेन। यहां पर मैं लिखता हूं अलासेन औत्रा, अलासेन औत्रा ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट। और ये जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं हामिद बाकायोको, ये इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर सर्व कर रहे थे और वो वहां के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सर्व कर रहे थे। लेकिन अभी 8 जुलाई की बात है, मैंने आपको 8 जुलाई के करीब, 9 या 10 जुलाई के करंट अफेयर में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। तो जो प्रधानमंत्री आइवरी कोस्ट की जिनकी मृत्यु हुई थी इनका नाम क्या था, जिनकी जगह पर ये आए? इनका नाम है अमादो गॉन कलीबली। क्या नाम है? अमादो गॉन कलीबली। तो कलीबली की जगह कौन आ गए हैं? बाकायोको अब आ गए हैं नए प्रधानमंत्री के रूप में। एक बार फिर से समझो, कंफ्यूजन ना होने पाए। आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट कौन है? ये है अलासेन औत्रा। जिन प्रधानमंत्री की मौत हो गई ये कौन है? इनका नाम था अमेदोन गोन कलीबली। तो कलीबली की मौत हो गई और अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है हमीद बाकायोको। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। अभी हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के नए एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल है जिनको अभी हाल ही में इसका एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी। उर्जित पटेल आरबीआई के कौन से गवर्नर थे? उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर थे, ध्यान रखना। 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन, उनके बाद उर्जित पटेल आए थे। उर्जित पटेल ने रिजाइन कर दिया था और आज की डेट में शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर, वो भी 25वें गवर्नर। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड के नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं आईएएस अधिकारी, इनका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी अपॉइंट किए गए हैं उत्तराखंड के नए सचिव के रूप में। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं। उत्तराखंड में इस टाइम पे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर कौन है? गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ध्यान रखिए उत्तराखंड सरकार ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि उत्तराखंड में जितने भी रेलवे के साइन बोर्ड हैं उन सभी साइन बोर्ड में उर्दू को रिप्लेस करेंगे संस्कृत से। मतलब जहां पर भी साइन बोर्ड में, रेलवे साइन बोर्ड में उर्दू से रेलवे स्टेशन के नाम लिखे हैं वहां पर संस्कृत लैंग्वेज से नाम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली राज्यसभा एमपी अमर सिंह, अमर सिंह को कौन नहीं जानता है, अमिताभ बच्चन के एक टाइम पे काफी करीबी भी रह चुके हैं अमर सिंह, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया कल के दिन। अमर सिंह की मौत किस वजह से हुई है? तो इनकी मौत आपको ध्यान रखना है किडनी की बीमारी की वजह से हुई है। इनका इलाज चल रहा था सिंगापुर में, कल के दिन इनका निधन हो गया सिंगापुर। अमर सिंह की बात करें तो ये भारत में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। उत्तर प्रदेश का जिला आजमगढ़ जिससे बिलोंग करते थे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? ये समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर थे एक टाइम। तो अमर सिंह अभी हाल ही में नहीं रहे। कहां पर इनकी मौत हुई है? सिंगापुर में इनकी मौत हुई है। कितने साल की उम्र में अमर सिंह की मौत हुई है? 55 साल की उम्र में इनकी
अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली पद्मश्री अवॉर्डी रह चुके, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सोनम शेरिंग लेपचा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? फोक म्यूजिशियन थे, फोक डांसर थे, माउंटेनर मतलब पर्वतारोही थे, या पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ थे? क्या थे ये? इनका नाम है सोनम शेरिंग लेपचा। ये क्या थे? ये फोक म्यूजिशियन थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। कहां से बिलोंग करते थे? वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी आवाज सर्व करी है ऑल इंडिया रेडियो में भी। कहां पर? ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कहां करी गई थी? नई दिल्ली में इसकी स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 1930 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इनका नाम क्या है? इनका नाम है ली तेंग हुई। ये फेमस है फादर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? आपको ध्यान रखना है, ये ताइवान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ओके, क्या नाम है इनका? ली तेंग हुई। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। 97 साल की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। जापान की कैपिटल है टोक्यो, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। आज का आप सभी से क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। जिसको भी पता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अच्छा, एक चीज और, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो भी मेरे आने वाले कोर्सेज हैं उनमें आपको बता दूं, इस महीने अनअकैडमी एसएससी प्लस में स्टार्ट हो रहा है मेरा करंट अफेयर का फुल कोर्स, जो कि आने वाले एसएससी हर एग्जाम के लिए कारगर होगा, जिसमें मैं 2020 के सभी करंट अफेयर, पूरे फुल करंट अफेयर कंप्लीट करूंगा। साथ में स्टैटिक जीके का एक कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फुल कोर्स, ये भी इसी महीने स्टार्ट हो जाएगा। और 1 सितंबर से जीएस का भी नया कोर्स आ रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस। दिस इज माई डिस्काउंट कोड वरुण वाईपी, इसका यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में वरुण 777 का भी आप यूज कर सकते हो। एक चीज और ध्यान रखना है, आप सभी को बता दूं, आपको ध्यान रखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। ये जो सबसे ऊपर आपको लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये एक नए चैनल का लिंक है, इसका नाम है अनअकैडमी एसएससी प्लस। वहां पर मैंने आपको कल भी बताया था, कल मैंने वहां पर पहली क्लास भी ली है। डेली रात में 9 बजे, 9 PM अब से मैं डू यू नो की स्टैटिक जीके की सीरीज चला रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसको भी कर सकते हो। कल मैंने एक रैंडम टॉपिक कराया था हिस्ट्री का, उसे आप पढ़ सकते हो वहां से। आज रात में फिर से 9 बजे मिलूंगा एक और रैंडम टॉपिक के साथ। ये टॉपिक रैंडम ही होगा, इसके बारे में आपको पहले कभी नहीं मैं बताया करूंगा, हमेशा ये अपने आप में सरप्राइज होगा। तो अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डेली रात 9 बजे केवल 15 से 20 मिनट का सेशन लेकर वहां पे मैं आपसे मिला करूंगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अनिल मुरली पास्ट अवे। अनिल मुरली का भी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर या म्यूजिशियन? अनिल मुरली ये एक्टर थे, तो अभिनेता थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। कितनी उम्र में? 51 साल की उम्र में कोची में इनका निधन हो गया, केरल में। एक चीज और, ये कौन से सिनेमा से बिलोंग करते थे? तो आपको ध्यान रखना है, ये मलयालम सिनेमा से बिलोंग करते थे। कहां से? मलयालम सिनेमा से। आप में से ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, अगर आप करना चाहते हैं पीडीएफ की वजह से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। वहां पर आप डिस्कशन भी कर सकते हो जीएस को लेकर। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की बात यहीं तक रहेगी, कल फिर से सुबह 5 बजे मुलाकात होगी। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए ताबड़तोड़ तरीके से, और शेयर करिए अपने भाई बंधुओं को, क्योंकि सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।